वजीर आला के चंद्रशेखर राव का पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किया इस्तकबाल। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज खसूसी तैयारी के जरिए सुबह हैदराबाद से पटना पहुंच गए, जहां उन्हें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने शानदार इस्तकबाल किया। केसीआर वहां तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक गोलवान वादी में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों के पसमंदगान को माली इमदाद फरहम करेंगे। शहीद फौजियों के पसमंदगान के साथ साथ चीफ मिनिस्टर हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में पेश आए हादसे के 12 महलुकीन के अफराद खानदान को माली इमदाद फरहम की। वजीर आला केसीआर रियासत बिहार के अपने हम मुनासिब नीतीश कुमार और हमरा इनके अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाए। बाद अजां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत बिहार के अपने हम मुनासिब की जानिब से उनके एजाज़ में तरतीब दिए गए जाहिराना में शिरकत की। इस मौके पर दोनों चीफ मिनिस्टर मुल्की सियासी के मौजू पर तबादले ख्याल किए। शहीद फौजियों के खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। इसी तरह चीफ मिनिस्टर के सी आर तमाम महलुकीन मजदूरों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपये के चेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज। लोकतंत्र का हो या लोकमान्य लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का आवाज हो, जब कभी क्रांति बिहार से शुरू हुई देश में जरूर शांति आई। इतनी पवित्र स्थल है, इतना पवित्र भूमि है और 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत के विश्व पूरे विश्व भर में हमारी मान्यता बढ़ा रही थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक यादगार चीज है। ऐसे पवित्र स्थल में आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है और एक अच्छे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का नीतीश कुमार जी ने जो हमें अवसर दिया है, उसके लिए फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, उपमुख्यमंत्री जी को, बिहार के सारे सम्मानित नेताओं को, अधिकारीगण को, तेलंगाना राज्य को ओर से फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी का। एएचए न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।